पर वो नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। बोलने वाले बोलने दो, हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अवॉइड अवॉइड करते रहो, ज्यादा ना सोचो, ऐसे चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक Q&A व्लॉग है, आपके सवाल होंगे मेरे जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफी बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि देखो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, आपको पता ही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मगर सरलता से इसका जवाब देना चाहूंगा। एक भक्त ने एक सवाल पूछा, क्या था वो बताता हूँ। सवाल ये था कि जयेश भैया हमारे घर के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या मैं भगवान राम की भक्ति कर सकता हूँ, क्या हनुमान जी की भक्ति कर सकता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता हूँ। सरल जवाब, भगवान श्री कृष्ण किन के अवतार है, भगवान श्री राम किन के अवतार है, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, ज्यादा ना सोचो, इतने भ्रम में ना पड़ो। भगवान श्री कृष्ण भी वही है, भगवान श्री राम भी वही, हमारे प्रिय भगवान, हमारे आराध्य प्रभु श्री विष्णु के अवतार ही तो है, नारायण जी के अवतार ही तो है, तो ज्यादा क्यों सोचते हो, इतना कंफ्यूजन दिमाग में ना डालो। आप श्री कृष्ण को भजते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वे भी तो हमारे परम पिता है। दिल से भक्ति करो, जिस भी देवी देवता की भक्ति करते हो दिल से करो। पता है आपको कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें भगवान शिव के बारे में ये क्वेश्चन आया था, भगवान शिव और भगवान राम में भेद करते हैं जो लोग, और उस पे मैंने कुछ लाइंस बोली थी, भगवान शिव भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और भगवान श्री राम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, और यहीं पे एक केस ऐसा है जहाँ पे श्री कृष्ण और श्री राम के बीच में डिफरेंस लोग क्रिएट करते हैं। एक व्लॉग में मैंने ये भी कहा था, जो अलग अलग कलाओं से युक्त थे, अलग अलग युग में उनके अवतार हुए, हर अवतार श्रेष्ठ है, हम कलाओं के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा ना करें। हाँ, जिस युग में जो अवतार की जो रिक्वायरमेंट थी कलाओं की, वो कला युक्त प्रभु ने अवतार लिया। भगवान राम के वक्त जब उन्होंने अवतरित हुए, उन जितनी कलाओं की रिक्वायरमेंट थी युद्ध करने के लिए या जो भी पराक्रम किए हैं, लीलाएं किए हैं, तो वो रिक्वायरमेंट थी उनकी। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तब सीन अलग था, केस अलग था, कलाओं के आधार पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वे एक ही है, डिफरेंशिएट ना करो, वे एक ही है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना करो। और आप हनुमान जी की, हाँ आपने बताया कि हनुमान जी की भी भक्ति भी कर सकते, वे हमारे परम पिता, हमारे सब कुछ शिव जी के ही अवतार तो है, वे हनुमान जी का अवतार लेकर भगवान श्री राम की सेवा में है। भगवान श्री कृष्ण ने भी, अगर आप महाभारत अगर आपको पता है, अर्जुन के रथ पर वे खुद थे, ध्वजा में उपस्थित थे। किसी भी देवी देवता में आप डिफरेंस पैदा ना करो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, आप जिस भी देवी देवता को मानो, सच्चे हृदय से मानो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, या शिव जी हो, या फिर देवी माँ हो, हनुमान जी हो, या जिस भी देवी देवता को मानो, सच्चे हृदय से मानो, नाम जप करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो, सच्चे दिल से पूजा पाठ करो और अच्छे कर्म करो, देखना उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जयेश भैया मैं भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ, हनुमान जी की चालीसा वगैरह पढ़ता हूँ, जो फॉलो करना चाहिए वो सब कर रहा हूँ, मगर लोग मेरी भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करूँ, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, निराश हो जाता हूँ, दुख पहुंचता है, क्या करूँ। एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा ना सोचें, ये कलयुग है, नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, स्कूल जाओ वहां पे भी मिलेंगे, कॉलेज जाओ वहां पे भी मिलेंगे, जॉब पे जाओ वहां पे भी मिलेंगे, मोहल्ले में सोसाइटी में जाओ वहां पे भी मिलेंगे, देखो ये लड़का टीका लगा रहा है, देखो ये लड़का मंदिर जा रहा है, समझना हर तरफ नेगेटिव लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, पर वो नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। बोलने वाले बोलने दो, हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अवॉइड अवॉइड करते रहो, ज्यादा ना सोचो, ऐसे चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, ज्यादा ना सोचो, बस अपनी भक्ति का जो मार्ग पकड़ा है भगवत भक्ति का, उस पे दृढ़ रहिए, अपने नियम धर्म में रहिए, नियम धर्म का पालन करें, पूजा पाठ करिए, अच्छे कर्म करें, देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले हमने एक अनुभव शेयर किया था हमारी मेन चैनल में, सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, जिसमें एक महिला भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया था, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, उन्होंने एक बात कही थी जो इस सिचुएशन को काफी सूट होती है। उनको हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाना था, तो वे अपनी फ्रेंड के पास जाते हैं कि चल ना तू भी चल मेरे साथ, हम साथ में जाते हैं, हो तो ना कई बार होता है कि चलो मैं अकेले जाऊं, उससे अच्छा अपने फ्रेंड्स को भी साथ में, मतलब एक कंपनी मिलती है साथ में जाने की, तो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, कहते हैं चल मेरे साथ तू भी चलेगी, तो उनकी फ्रेंड ने पता है क्या रिप्लाई दिया, हमने कोई ऐसे खराब कर्म थोड़ी किए हैं कि हमें मंदिर जाना पड़े, अपमान हुआ। देखो यहाँ पे वो एक भक्त जा रहा है मंदिर, उसने इनफैक्ट उसके भले के लिए, इनफैक्ट वो मंदिर चली जाती तो उसका भी कुछ उद्धार हो जाता, तो बोले हमने थोड़ी कोई पाप कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं जो हमें मंदिर जाना पड़े, तो वे भक्त ने बोला कोई बात नहीं, वो चले गए।
फिर कुछ ही दिन बाद जिसने वो कटुवाणी बोली थी ना, उसे एक मंदिर बंदिर भटकना पड़ा। उसके कर्म ही, उसकी जो कटुवाणी ही उसे वापस, उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नेगेटिव एनर्जी ने कुछ कर दिया, ऊपरी हवा का साया। देखो, आप समझने की कोशिश करना, तो किसी का मजाक ना उड़ाओ। अगर आपको भक्ति नहीं करनी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो भक्ति कर रहा है उसका मजाक ना उड़ा। और अगर आपको लगता है कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप अवॉइड करो। हाँ, मगर जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनसे यही कहूँगा, प्लीज़ आप मजाक ना उड़ाएं। जो भक्ति के मार्ग पर हैं, प्रभु के भक्त हैं, आप उनका मजाक ना उड़ाएं। अगर आपको विश्वास नहीं है भक्ति में, भगवान में, पूजा पाठ में, तो आपका जो भी मार्ग है आप उस पर लगे रहें। वेस्टर्न कल्चर, प्रैक्टिकल थिंकिंग, व्यसन करना, मांसाहार करना, लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब समझ आएगी तब की बात, तब प्रभु श्री राम आपका भला करें। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर है प्लीज़ उनका मजाक ना उड़ाएं। तो आप टेंशन ना लो, अवॉइड करो, आप अपनी भक्ति के मार्ग पर रहो। अगर कोई मजाक भी उड़ा रहा है तो अवॉइड करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपके प्रभु आपके साथ हैं तो कोई टेंशन नहीं। तीसरा सवाल, स्पेशली युवा पीढ़ी इससे जूझ रही है कि जयेश भैया, मेरी भक्ति है ना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही है, मेरा जो विश्वास है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है, मन भटक जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्या करूँ जिससे मैं मेरी भक्ति में फोकस रख सकूँ। यानी कई लोग होते हैं ना, पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का या मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मन भटकता है। चार दिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया, पांचवें दिन वापस संसार की माया में लग जाते हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है वैसा का वैसा, क्या करूं? देखो, इसके सवाल का जवाब आप ही के पास है। जो गलतियां होती वो हमसे ही होती है, तो पहले ये इवैल्यूएट करिए, ये जानिए कि ऐसी क्या चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मोबाइल फोन, टीवी, मूवीज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई घर का कलेश हो, होते ही देखो कई बार घर में संकट होता है जिसके कारण हम फोकस नहीं कर पाते, दुख होता है। आप टेंशन ना लो, ज्यादा ना सोचो, अपना जो फोकस है चाहिए तो आप ध्यान करो। मेडिटेशन में बहुत पावर है। हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े संतों ने ऐसा ही नहीं कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो आपका फोकस बढ़ेगा, आप अपने माइंड को केंद्रित कर पाओगे, ऐसे नहीं बोले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आप अपनी आत्मा को जान जाओगे। देखो मन, मैंने पहले भी कहा है, मन के विचारों को कोई रोक नहीं सकता, 24/7 वो चलता है, मगर मेडिटेशन यानी ध्यान करने से आप अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर पाओगे, फोकस रह पाओगे। एक बार शुरू तो करो, देखना हर चीज में जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, काम में, भक्ति करने में या कोई भी कार्य में, वो आप फोकस रहोगे, आपका फोकस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर चाहे दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आए, दुनिया का कोई भी डिस्टर्बेंस आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका फोकस कभी टूटेगा नहीं। तो ये जान लो कि भाई फोकस किस कारण हट रहा है। ध्यान में क्या होगा, आपको विचार आएंगे, तो उस विचारों को इवैल्यूएट करो कि ऐसी कौन सी चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। नेगेटिव चीज़ें अवॉइड। एक बार आएगी, दो बार आएगी, देखो धीरे धीरे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ोगे, ध्यान करने में आगे बढ़ोगे ना, आपका फोकस लेवल बढ़ता जाएगा। और कब वो नेगेटिव थॉट्स या जो भी डिस्ट्रैक्शन आपको होता है कब दूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आप भक्ति करना छोड़ना मत, भक्ति करते रहो, फोकस हो या ना हो, नाम जप कर रहे हो करते रहो, उसे स्टॉप मत करना। आप दो दिन कर रहे हो फिर फोकस हट जाता है, आप स्टॉप कर देते हो सब कुछ रुक जाता है, ऐसा ना करो। भक्ति करते रहो, साथ साथ ध्यान भी करो, धीरे धीरे वो फोकस लेवल आपका बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इनफैक्ट आप दूसरों को भी गाइड करना शुरू कर देंगे, देखना, याद रखना। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि इस व्लॉग को हम ऐसे एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज बहुत दिन बाद एक भजन लाया हूं जिसे कुछ व्लॉग पहले मैंने गाया भी था, मगर भक्तों की डिमांड है, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। जयेश भैया फिर से एक बार उस भजन की चार पंक्तियां गाए, हम भी जुड़ना चाहेंगे, अगर आपको आती है प्लीज जुड़िएगा। और भजन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये पंक्तियां आपके दिल के कितने करीब है, क्या महत्व रखती है ये पंक्तियां, प्लीज प्लीज बताइएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाग्यवती है अयोध्या की भूमि, जहां जन्मे खेले चारो भैया, धन्य पिता दशरथ और धन्य है चारों कुमारों की तीनों मैया। सीता माँ को नमन करूं, सीता माँ को नमन करूं, जग पे जिनके आंचल की छैया। अवध की महिमा गावत, खिल गए छद्दल कमल से मोर सवैया। अवध की महिमा गावत, खिल गए छद्दल कमल से मोर सवैया। जय श्री राम। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, स्पेशली सीता माँ को नमन करूं, इमोशनल हो रहा था मैं। यह है
भक्ति की शक्ति, यह है हमारे सनातन धर्म की शक्ति, हमारे रामचरित मानस की शक्ति। बहुत ही प्यारी पंक्तियां दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, गुड बाय।